में आपका बहुत स्वागत है बेटा। अपन सामाजिक विज्ञान में कुछ प्रश्न परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ रहे थे बेटा। तो आज अपन बेटा 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो अभी इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप देखे थे, सत्य असत्य, खाली स्थान भरो, एक वाक्य में उत्तर दो। आज अपन थोड़े से कुछ प्रश्नों को लेंगे बेटा जो परीक्षा संबंधित है। तो उसमें है बेटा, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों का वर्णन कीजिए जो भारत में अभा तंत्र के अंतर्गत स्पष्ट कीजिए। जो हिमालय से नदियां निकली हैं प्रमुख नदियों के नाम, उत्तर भारत में अभा तंत्र, जो उत्तर भारत है उसमें अभा तंत्र हिमालय पर्वत का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उत्तर भारत की प्रमुख नदी हिमालय पर्वत से निकलती है। तो जो भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है, जो कैसा है, बहुत विशाल है, इसलिए इन नदियों को हिमालय की नदी भी कहते हैं। अभा तंत्र में प्रमुख नदी है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो जो अभा तंत्र की प्रमुख नदियां हैं, सबसे पहले सिंधु नदी को देखेंगे बेटा। सिंधु नदी हिमालय के पार कैलाश पर्वत के समीप, जो सिंधु नदी है वह हिमालय के पार कैलाश पर्वत के समीप से निकलकर आती है। इसे इसी कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत में मानसरोवर के पास निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। तो यह तिब्बत के पास से मानसरोवर है, वहां के पास से निकलकर ये पश्चिम की ओर बहती है। और ये कहाँ कहाँ, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से 500 मीटर ऊंचा एक सुंदर दर्शनीय गर्ज बनाती हुई बहती है। यहाँ के दक्षिण पश्चिम में से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर अंत में अरब सागर में क्या होती है, मिल जाती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। कहाँ मिलती है बेटा, ये दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंत में अरब सागर में क्या करती है, मिल जाती है। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो आपको पहले भी बताया था कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, 5 सहायक नदियां हैं, इसमें होती है झेलम, चुनाव, रावी, सतलुज और ब्यास। तो ये कितनी नदियां हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियों में ये 5 नदियां हैं, पहला झेलम, चुनाव, रावी, सतलुज और ब्यास। इसके जल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सिंचाई के लिए इसको क्या किया जाता है, सिंधु नदी के जल को उपयोग में लिया जाता है। तो ये हो गया बेटा सिंधु नदी तल। तो ये प्रमुख नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों में, प्रमुख नदियों में सबसे पहले है सिंधु नदी, फिर उसके बाद है बेटा गंगा नदी। तो सिंधु नदी की जैसे ही गंगा नदी है, ये भी भारत के उत्तरी मैदान के प्रमुख नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर से अधिक है। ये गंगोत्री हिमनद से 400 मीटर की ऊंचाई से निकलकर शिवालिक श्रेणियों को पार करके हरिद्वार मैदान में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसकी सहायक नदियां है यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी नदी क्या है, प्रमुख सहायक नदियां है। तो अगर प्रश्न में 2 नंबर के प्रश्न या 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाए कि गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो आपको इसमें यमुना, घाघर, गंडक और कोसी नदी। और ये नदियां कैसी होती हैं, ये नदियां उपजाऊ बाढ़ का मैदान बनाती हैं। तब इसमें नदी मोड़, गोखुर झील पाई जाती है, अंबाला के निकट जल विभाजक द्वारा गंगा एवं सिंधु नदी के प्रभाव से क्षेत्र का विभाजक होता है। तो ये क्या हो गया, गंगा नदी तल, ये कैसी नदी है, और ये प्रायद्वीप भारत की कठोर भूमि, प्रायद्वीप भारत की कठोर भूमि से निकलने वाली चंबल, केन, बेतवा, सोन और दामोदर नदी भी गंगा प्रणाली का अंग है। मतलब जो नदियां हैं प्रायद्वीप भारत की कठोर भूमि से निकलने वाली जो नदियां हैं, चंबल, कैन, बेतवा, सोन नदी, ये सब नाम बेटा आपने नदियों के सुने होंगे,
ये गंगा की नदियों का क्या बने हैं, बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया है, इससे जल विद्युत भी बनाई जाती है, सिंचाई भी की जाती है और दक्षिण भारत की ओर बहती हुई गंगा डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है और गंगा की प्रमुख धारा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद यह क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है। जो गंगा नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और उसके बाद वह मेघना कहलाती है। तो गंगा नदी पर बड़े बड़े बांध भी बने हैं, इससे जल विद्युत भी बनाई जाती है और इससे सिंचाई भी की जाती है। तो अगर प्रश्न में पूछा जाए गंगा नदी तंत्र क्या है, तो आपको ये पूरा जो पूरा का पूरा जो पैरा है इसको अच्छे से आप याद करोगे और लिखो। और मतलब गंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी है, यमुना, घाघर, गंडक, कोसी, है ना, ये सब नदियां जो है गंगा नदी की क्या है, सहायक नदियां है। फिर उसके बाद है कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है। तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से निकलकर आती है। ब्रह्मपुत्र नदी है कहाँ से निकली है, मानसरोवर झील के समीप से निकलकर आती है, ये भी हिमालय से, हिमालय पर्वत के समानांतर प्रभावित होती है, यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह कहाँ पर बहती है, अरुणाचल प्रदेश की ओर बहती है और भारत में इसका प्रवाह 1400 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, दिवांग, लोहित, धनश्री, कालंग आदि इसकी कौन सी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। और अधिक वर्षा क्षेत्र में बहने के कारण अवसाद अधिक होते हैं, जिसके जमाव में प्रतिवर्ष क्या आती है, बाढ़ आती है। और नदी का प्रभाव कैसा रहता है, यहाँ पर बदलता रहता है। नदी द्वीपों का भी निर्माण होता है, इसमें नदी और द्वीपों का क्या होता है, निर्माण होता है। तिब्बत के सभी सांगोपो, भारत में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में पद्मा और मेघना के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ बहती हुई विशाल डेल्टा की जो नदी है वह बहती हुई विशाल डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या करती है, ये नदी भी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इस प्रकार से आपको हिमालय की प्रमुख नदियों के बारे में बेटा, अब आप इसको देखोगे और पढ़ोगे। फिर नदी प्रदूषण से क्या आशय है, जो नदी प्रदूषण है उससे क्या आशय है, नदी में प्रदूषण कैसे बचाया जा सकता है। नदी प्रदूषण से आशय, नदी जल के घरेलू औद्योगिक एवं कृषि में बढ़ती हुई मांगों के कारण इसी गुणवत्ता को क्या करते हैं, प्रभावित हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी में अधिक जल की निकासी होती है। तो नदी का प्रदूषण है वो जल में घरेलू औद्योगिक और कृषि की ओर क्या करते हैं, बढ़ती हुई मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों में जल की निकासी होती है, आयतन इसका क्या हो जाता है, घट जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण अपरिष्कृत कचरे से निकलते हैं, नदी से नदी में निकलते हैं, यहाँ पर केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। उदाहरण मान लीजिए कि समुचित नदी जल प्रभाव, जैसे गंगा का जल 200 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले बड़े शहरों में गंदगी की तनु करके समाहित होता है, लेकिन निरंतर बढ़ते औद्योगिक शहरीकरण के कारण संभव नहीं हो पाता और नदियों में प्रदूषण का स्तर कैसा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर नदी प्रदूषण को कम करने वाले उपाय कौन कौन से हैं, तो प्रदूषण को कम करने के लिए समस्या के निराकरण के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं। फिर औद्योगिक कचरों को नदी में प्रभावित करने से प्रतिबंध लगाया गया है और जिसमें सीवेज लाइनों के जल को परिष्कृत किया जाए। तो ये नदी प्रदूषण को कम करने के उपाय हैं, कितने हैं, पांच। तो चौथा है सरकार द्वारा समय समय पर नदियों की सफाई कराई जाए। पांचवा है लोगों को नदी प्रदूषण की समस्या के लिए प्रति जागरूक किया जाए। तो ये एक प्रश्न हो गया बेटा आपका, चार नंबर का है।
नदी प्रदूषण से क्या भारत की नदियों का वर्णन करो। अभी यमन प्रायद्वीप की जो अभी आपने हिमालय की नदियों को देखा, अब ये प्रायद्वीप नदी, ये इसका अगला वाक्य है क्वेश्चन में, दक्षिण भारत में नदी तंत्र को स्पष्ट कीजिए। तो दक्षिण भारत की प्रथा, भारत नदी तंत्र में प्रमुख नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर आती है और ये कहां जाती है, पूर्व की ओर क्या होती है, पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों को, इन नदियों में है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी प्रमुख नदियां हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां नर्मदा और ताप्ती कहा जाती है। ये नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ पर, कौन से सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ये कौन सी, बंगाल की खाड़ी में मिलती है और पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती नदी, ये अरब सागर की ओर गिरती है। तो नर्मदा नदी कहाँ पर है, ये सभी को मालूम है बेटा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर गहरी भ्रांस की घाटी जो 1312 किलोमीटर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इसका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात में है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में ढेरा घाट पर धुआंधार जलप्रपात बनाती है। फिर दूसरा है बेटा ताप्ती नदी, यह नदी भी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में बैतूल जिले के मुल्लाई नामक माने से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में क्या करती है, बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो फिर इसके बाद है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी नासिक के पास पश्चिमी घाट से निकलकर 1500 किलोमीटर ओडिशा, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां है वर्धा, माजरा, बैन गंगा और पैन गंगा। बड़े आकार में विस्तार के कारण दक्षिण गंगा भी इसे कहते हैं। तो गोदावरी नदी को क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए दक्षिण गंगा नदी किसे कहते हैं, तो दक्षिण गंगा नदी, तो गोदावरी नदी के बारे में आप पूरा लिखोगे तो ये कहाँ से निकलती है, नासिक के पास से पश्चिमी घाट से निकलकर 1500 किलोमीटर ओडिशा और आंध्र प्रदेश की ओर बहती हुई कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और उसकी सहायक नदी है वर्धा, बैन गंगा, पैन गंगा, मांझरा और बड़े आकार और विस्तार के कारण इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ये नदी बड़ी विस्तृत और बड़े आकार की है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बच्चों आपके लिए छोटे छोटे प्रश्न हो गए, आपको ये प्रश्न कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। उसके बाद है बेटा महानदी, इस नदी का उद्गम कहाँ पर हुआ है, छत्तीसगढ़ में। जो महानदी है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में उच्च भूमि के हावा नामक स्थान से हुआ। इसकी लंबाई कितनी है, 858 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में क्या करती है, बहती है और ये हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना हुआ है। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो महानदी में हीराकुंड बांध बना हुआ है। फिर इसके बाद है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से निकली हुई है। इसकी लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर है। ये कोयना, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, मूसी, तुंगभद्रा, इनकी क्या है, सहायक नदियां है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां है ये कोयना, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, मूसी और तुंगभद्र। ये इसकी क्या है, सहायक नदी है और ये अलमाटी और नागार्जुन सागर बांध इसी नदी पर बना हुआ है। तब जो अलमाटी और नागार्जुन सागर इसी बांध पर बने हुए हैं, कौन सी, इस पर कृष्णा नदी पर। फिर है कावेरी नदी, इसका उद्गम कोटी से ब्रह्मगिरी पहाड़ी श्रृंखला से।
होता हुआ। इसकी लंबाई कितनी है? कोदल के महानगरी श्रृंखला से होता है। इसकी लंबाई कितनी है बेटा? 760 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियां हैं हेमावती, अमरावती, भवानी आदि। और इसमें शिव समुद्रम इसका प्रमुख प्रताप है, मतलब जो प्रपात कावेरी नदी का भी एक प्रपात है, जो उसका नाम है शिव समुद्रम, इसका प्रमुख प्रपात है। इसकी जल इससे इस नदी पर जल विद्युत भी बनाई जाती है और सिंचाई भी की जाती है। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? कुल की ब्रह्मगिरी पहाड़ी श्रृंखला से हुआ है। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है बेटा? हेमावती, अमरावती और भवानी। और इस पर एक प्रपात भी है, वो कौन सा है? शिव समुद्रम इसका प्रपात है। और इसमें से जल विद्युत भी बनाई जाती है और ये सिंचाई के लिए भी कई नहरों से इसको सिंचाई इसका पानी सिंचाई के लिए कई नहरों के द्वारा प्राप्त किया जाता। तो बच्चों ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए छोटे छोटे 3 और 4 नंबर के प्रश्न थे बेटा, इनको आप याद करें और परीक्षा की तैयारी करें। धन्यवाद बच्चों, चलो भानु।